अरविंदर सिंह लवली ने दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि सिद्धांतों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पीड़ा का जिक्र करते हुए मैंने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मुझसे मिलने आए। ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं की है। मैंने अपने मन की पीड़ा और वो पीड़ा मेरी नहीं है, दिल्ली के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पीड़ा है, उसको खत के जरिए अपने अध्यक्ष को लिख के भेज दिया है। और ये ठीक बात है, आप लोग बार बार सुबह से पूछ रहे हो कि मैंने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज दिया है। और जो लोग इस तरीके की भ्रांति फैला रहे हैं कि शायद मैंने किसी टिकट की नाराजगी से इस्तीफा भेजा है, तो ऐसा नहीं है। आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने खुद कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस कराया था। मेरी पीड़ा उन असूलों को लेके है जिनकी लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें, शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो मैं इतना ही केवल आपको कहना चाहूंगा और आप, मैं तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं जो आज सुबह से तकरीबन 30 से 35 हमारे एक्स MLAs आज मुझे मिलके गए हैं।